हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं 2020 में रिलीज होने वाली टॉप 10 लेस्बियन मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने ये सारी मूवीज अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। तो इस लिस्ट के नंबर 10 पर है किस मी बिफोर इट ब्लोस अप। ये एक जर्मन मूवी है लेकिन ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और इस मूवी के डायरेक्टर सिरिल पेलेग ने इस मूवी के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश किया है, अगर दो फैमिलीज की कल्चर अलग हो और वो सब एक लेस्बियन वेडिंग की तैयारी कर रहे हो तो कितनी सारी प्रॉब्लम आती है उस शादी में। और साथ ही में इस मूवी में कॉमेडी और रोमांस की कोई कमी नहीं है और इस मूवी ने एक अवार्ड भी जीता है बेस्ट कल्चरल मूवी के तौर पे। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 9 पर है मोनिका जेनफी की डायरेक्ट की हुई एली एंड एबी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इस मूवी को IMDb से 5.7 रेटिंग्स भी मिले हैं। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक 17 साल की लड़की एली अपनी क्लासमेट एबी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उससे पूछने वाली थी, लेकिन एली में उतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं और ना ही वो कम आउट हुई थी। और यही सब सोच सोच के एली बहुत परेशान थी, लेकिन तभी उसकी एक आंट आती है उसकी मदद करने के लिए जो खुद एक लेस्बियन है और वो बहुत साल पहले मर गई थी। तो आगे क्या एली एबी को प्रपोज कर पाती है या नहीं, यही देखने लायक है इस मूवी में। और इसी के साथ हमारे लिस्ट के नंबर 8 पर है नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया दी प्रॉम। और इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की एमा जो रिसेंटली कम आउट हुई है, उसकी एक ड्रीम है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉम पर जाए और वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सारे खुशी से उन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। और एमा की यही ड्रीम पूरा करने के लिए कुछ दोस्त उसकी मदद करते हैं, लेकिन क्या एमा की ये ड्रीम पूरा होगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूँ, ये एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है और इस मूवी को IMDb से 5.9 रेटिंग्स भी मिले हैं और इस मूवी ने टोटल 4 अवार्ड्स भी जीता है, तो इस मूवी को देखना मत भूलना। तो हमारे इस लिस्ट का नंबर 7 पर आती है द वर्ल्ड टू कम। ये 19th सेंचुरी की सबसे अच्छी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो इस मूवी के डायरेक्टर मोना फास्टबॉल ने दिखाने की कोशिश की है। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी को IMDb से 6.2 रेटिंग्स भी मिले हैं। फिलहाल मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एबिगेल जो एक फार्मर की बीवी है वो अपने पड़ोसी टेली से प्यार करने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति बढ़ जाता है। अब क्योंकि टेली हर वक्त एबिगेल के साथ रहती थी तो इसलिए टेली का पति बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और इसलिए वो टैली को लेकर कहीं और चला जाता है। और जब एबिगेल टैली से मिलने जाती है तब उसे पता चलता है कि टैली की मौत हो गई है। वैसे मैं बता दूँ, इस मूवी को मैंने एक्सप्लेन किया है इस चैनल में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। फिलहाल हमारे लिस्ट के नंबर 6 पर है लियोनी क्रिपेंडॉर्फ की डायरेक्ट की हुई कोकून। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी को IMDb से 6.4 रेटिंग्स भी मिले हैं। इस मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताओ तो एक 14 साल की लड़की है नौरा और वो एक लड़की रोमी से प्यार करने लगती है और धीरे धीरे नौरा अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कदम रखती है और इसीलिए इस मूवी का नाम ककून रखा गया है। वैसे मैं बता दूँ, ये एक जर्मन मूवी है और इस मूवी ने टोटल 3 आवर्स जीता है। फिलहाल हमारे इस लिस्ट के नंबर 5 पर आती है फ्रांसिस ली की डायरेक्ट की हुई एमोनाइट। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी को IMDb से 6.5 रेटिंग्स भी मिले हैं। मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताऊ तो मैरी एनिंग नाम की एक लड़की है जो एक फॉसिल हंटर है और वो फॉसिल ढूंढ के अपने शॉप में बेचती है। एक दिन उनके दुकान में एक अमीर कस्टमर आता है और वो मैरी को कहता है उसके पत्नी शार्लेट की देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो बीमार थी तो ना चाहते हुए भी मैरी को शार्लेट की देखभाल करनी पड़ती है और उसी बीच वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वैसे मैं बता दूँ, ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है और इस मूवी ने 2 अवार्ड्स भी जीता है, तो इस मूवी को देखना मत भूलना। और इसी के साथ हमारे लिस्ट के नंबर 4 पर है क्लिया दुबाल की डायरेक्ट की हुई हैप्पीएस्ट सीजन। ये एक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी को IMDb से 6.6 रेटिंग्स भी मिले हैं। मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताओ तो एक लेस्बियन लड़की एबी अपनी गर्लफ्रेंड हार्पर को प्रपोज करने वाली थी उसके घर क्रिसमस के दिन सुबह को, लेकिन धीरे धीरे एबी को पता चलता है कि हार्पर अपने पेरेंट्स के सामने कम आउट होने से कितना डरती है, क्योंकि हार्पर नहीं चाहती वो अपनी फैमिली से दूर हो जाए और उसकी फैमिली उससे नफरत करने लगे। लेकिन क्या कहानी में आगे हार्पर अपनी फैमिली के सामने कम आउट होगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूँ, इस मूवी को भी मैंने एक्सप्लेन किया है इस चैनल में, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पर है एलिस वू की डायरेक्ट की हुई दी हाफ ऑफ इट। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस मूवी को IMDb से 6.9 रेटिंग्स भी मिले हैं। मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताओ तो एली नाम की एक लड़की है जो इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसीलिए एली सबके नोट्स लिख देती है और उसके बदले उनसे पैसे लेती है, लेकिन वो एस्टर नाम की एक लड़की से प्यार करती थी और एस्टर को ये बात बताने से डरती थी। तो जब उसी के क्लास के एक स्टूडेंट पॉल उसे एक लव लेटर लिखने के लिए बोलता है एस्टर के लिए, तो एली मना कर देती है
लेकिन कुछ कारण के वजह से एली मदद करती है पॉल को एस्टर को पटाने के लिए। और फिर आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे इस मूवी को भी मैंने एक्सप्लेन किया है इस चैनल में, तो अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। और इस मूवी ने टोटल 2 आवर्स जीता है, तो इस मूवी को देखना मत भूलना। और इसी के साथ हमारे लिस्ट के नंबर 2 पर आती है जेसिका सवाले की डायरेक्ट की हुई समर लैंड। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस मूवी को IMDb से 7 रेटिंग्स भी मिले हैं, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स है। मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो एलिस नाम की एक लड़की है जो एक राइटर है और वो इतिहास को लेकर बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखती है। एक दिन उसके घर फ्रैंक नाम के एक लड़का आता है जिसे एलिस को देखभाल करना था, और धीरे धीरे वो फ्रैंक को अपनी बेटे की तरह प्यार करने लगती है। और उसे एलिस अपने लव लाइफ के बारे में बताती है कि वो एक लड़की से प्यार करती है, जो सुन के फ्रैंक उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता है। लेकिन फिर फ्रैंक के पापा आके फ्रैंक को लेके चले जाते हैं और तब एलिस को रियलाइज होता है कि वो फ्रैंक से कितना प्यार करती है। फिर आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर आती है एमा सेलिगमैन की डायरेक्ट की हुई सिवा बेबी। ये एक कॉमेडी फिल्म है और इस मूवी को IMDb से 7.2 रेटिंग्स भी मिले हैं, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स है। मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो डेनियल नाम की एक लड़की है जो अपनी फैमिली के साथ किसी के अंतिम संस्कार में जाती है, जहां वो मिलती है अपने पापा और अपने एक्स गर्लफ्रेंड से। फिर वहां पे क्या क्या होता है ये देखने लायक है इस मूवी में। तो ये थी 2020 में रिलीज की हुई कुछ बेहतरीन लेस्बियन मूवीज की लिस्ट। वैसे मैं बता दूं ये पार्ट 1 है, और अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।